5G नेटवर्क पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी। देश भर में 5G नेटवर्क पर लगातार संशय बना हुआ था, आखिर कब तक देश के लोग 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अब यह इंतजार खत्म हो गया है, अब देश में जल्द ही 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देश के कोने कोने में 5G नेटवर्क का इस्तेमाल हो पाएगा। देश में 5वीं पीढ़ी के स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिलायंस जियो ने सबसे बड़ी बोली लगाई है। कंपनी ने 88,078 करोड़ रुपए में स्पेक्ट्रम खरीदा है। कंपनी ने अगले 20 सालों के लिए 88,078 करोड़ रुपए की बोली के साथ नीलामी में बिके कुल स्पेक्ट्रम में से करीब आधा हिस्सा हासिल किया है। बता दें कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा आयोजित 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो ने उम्दा माने जाने वाले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड समेत विभिन्न बैंड 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम खरीदा है। बता दें कि अगर 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग किया जाता है तो एक टावर ही काफी क्षेत्र को कवर कर सकता है। दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G सेवाएं अक्टूबर तक शुरू की जा सकती हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन और मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी ने कहा कि 4G के बाद अब एक बड़ी महत्वाकांक्षा और मजबूत संकल्प के साथ जियो 5G युग में भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। हम पूरे भारत में 5G रोल आउट के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। विश्व स्तरीय सस्ती 5G और 5G सक्षम सेवाएं प्रदान करने के लिए जियो प्रतिबद्ध है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, विनिर्माण और ई गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। अडानी ग्रुप ने 26 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा है और यह सार्वजनिक नेटवर्क नहीं है। दूर संचार क्षेत्र के दिग्गज सुनील मित्तल की भारतीय एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए में 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है। वहीं वोडाफोन आइडिया ने 18,784 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा है। 5G स्पेक्ट्रम को लेकर भारत के लोग काफी उत्साहित हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।